फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चोको चिप्स बनाना, जो आइसक्रीम केक सभी पर यूज़ होते हैं और केवल 5 रुपए के खर्चे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ 5 रुपए में आपको ढेर सारे चोको चिप्स बनाना बताऊंगी और बिल्कुल मार्केट जैसे चोको चिप्स बनकर तैयार होंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक 5 रुपए वाला ये पार्ले जी का बिस्किट। अब आप इसके थोड़े से टुकड़े कर लें और इसे एक मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर इसका ग्राइंड कर लें। मैंने पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, अब मैं इसका एक बारीक पाउडर बना लूंगी। देखिए, मैंने इसका एक बारीक पाउडर पीस लिया है। अब आप ले लें एक बाउल और इस पर मैं रख लूंगी एक स्ट्रेनर। अब हमें इस पाउडर को छान लेना है, जिससे कोई भी मोटा पीस इसमें ना बचे। देखिए, जो थोड़े से बड़े पीस थे वो इसमें ऊपर रह गए हैं और हमें एक इसका फाइन पाउडर मिल गया है। अब इसमें एक अच्छा सा चॉकलेटी कलर लाने के लिए दोस्तों, मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर की। इससे बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ जाएगा। अगर आप थोड़े से डार्क चोको चिप्स पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कोको पाउडर को आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब मैंने ले लिया दोस्तों 1/2 कप गुनगुना सा पानी और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाऊंगी और उसको मिक्स करते जाऊंगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक साथ सारा पानी नहीं डाल देना है, नहीं तो आपका जो मिक्सचर है वो परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। जैसे ही पहला पानी सोक हो जाए इसमें, तब आप दूसरा पानी इसमें ऐड करें और इसको मिक्स करते जाएं। बैटर की कंसिस्टेंसी का हमें खास ख्याल रखना है दोस्तों, वरना हमारे जो चोको चिप्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं और इसे मिलाते जाएं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है अभी भी। देखिए, जब आप इसमें परफेक्टली पानी मिला दें, आप देख सकते हैं, अब आप इसको अच्छे से फेंट लें, जिससे इसमें एयर पॉकेट्स बन जाए और ये थोड़ा सा फ्लफी मिक्सचर हो जाए। बस आपको एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपको जो स्पून है वो एक ही साइड घुमाना है, जिससे इसकी एयर पॉकेट अच्छी बने, क्योंकि अगर इसको दूसरी साइड से घुमा देंगे तो जितनी भी आपकी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आप इसे थोड़ा सा फेंट लें जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इसे फेंटते जा रहे हैं, हमारा मिक्स कितना स्मूथ बनता चला जा रहा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है इससे, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो आपका जो ये मिक्स है वो लिक्विड ही हो जाएगा और आपके चोको चिप्स ठीक नहीं बन पाएंगे। जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे, इसमें चम्मच घुमाना आसान हो जाएगा और ये काफ़ी फ्लफी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। ना तो ये बहुत लिक्विडी है, ना ही ये बहुत थिक है। बिल्कुल इस तरीके का मिक्स आपको तैयार करना है। देखिए, हमारा जो मिक्स है वो चोको चिप्स बनाने के लिए अब बिल्कुल से रेडी है। अब चोको चिप्स को बनाने के लिए दोस्तों, अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो, पाइपिंग बैग लिख लें, और अगर पाइपिंग बैग ना हो तो इस तरह का दूध का पैकेट, ये सभी के घरों में अवेलेबल होता है। इस तरीके से एक ग्लास में इसको डाल लें और इस तरीके से इस मिक्स को आप इसमें भर लें। इस तरीके से ऊपर से इसको बंद कर दें और अब आगे से आप बिल्कुल छोटा सा कट लगा दें, ज़्यादा बड़ा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरीके से अब मैंने एक ट्रे पर एक बटर पेपर को बिछा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो घरों में जो नॉर्मल फॉइल पेपर यूज़ करते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी ये चिपकते नहीं हैं। और इस तरीके से अब आप छोटे छोटे से चोको चिप्स बना लें। देखिए इस तरीके से इन्हें बनाते जाएं, आप देख सकते हैं कितने ईजीली बनकर तैयार हो रहे हैं और हमारे जो मिक्स की बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बस की साइड आप इस तरह खींचते जाएं, जिससे इनकी चोंच जैसी बन जाए, जैसे कि मार्केट की चोको चिप्स में आती है ना। कितना आसान इन्हें बनाना, बस इस तरीके से आप अपने सभी चोको चिप्स को बना लें। देखिए दोस्तों, हमने सभी चोको चिप्स को बना लिया है। एक को मैंने फॉइल पेपर के ऊपर बनाया है और दूसरे को बटर पेपर के ऊपर। इनके ऊपर बनाने से बहुत ही ईजी निकल जाते हैं। बस अब आप इन्हें 2-3 घंटे सूखने दीजिए। अगर आपके पास धूप अवेलेबल हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं और आपके चोको चिप्स बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 रुपये के बिस्किट से हमने कितने सारे चोको चिप्स बना लिए हैं। तो चलिए सुखा लेते हैं इन्हें।
ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 2-3 घंटे रख दिया था और हमारे चोको चिप्स अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब आप इस तरीके से रिमूव कर ले, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल जा रहे हैं। इस तरीके से आप इन्हें निकाल लें। देखिए हमने सभी चोको चिप्स को रिमूव कर लिया, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे चोको चिप्स बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे चोको चिप्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इन्हें बिना चॉकलेट के बनाया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी बनाइए टेस्टी चोको चिप्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।